सो आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स. सो जब तक डिनर बन रहा है मैं शेयर कर देती हूँ मेरा छोटा सा मिनी सा ऐसा सरोजिनी नगर हॉल. मम्मी से पूछ लेती हूँ पता नहीं. बिकॉज ट्रस्ट मी मैं अतरंगी चीजें बहुत करती हूँ. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to day number 5 of me trying Rujuta Divekar's diet plan. और अभी बजे सुबह के 7 and मैं निकलने वाली हूँ बाहर because I am going out for cycling. मैं usually शाम को जाती हूँ लेकिन आज संडे है तो मैंने मेरी फ्रेंड ने सोचा कि सुबह सुबह चलते हैं. अगर शाम को फ्री हुए तो शाम को भी चल लेंगे, दो टाइम कर लेंगे. अगर फ्री नहीं हुए तो फिर लाइक घूमना फिरना का प्लान बन गया, कुछ हुआ तो वो कैंसिल नहीं होना चाहिए साइकिलिंग. इसलिए हम आज सुबह जाएंगे और अभी निकलने वाली हूँ मैं. पहले कुछ फ्रूट वगैरह कुछ खा के निकलूंगी बिकॉज अभी सुबह सुबह खाली पेट है. सो खाली पेट तो साइकिल वैसे ही नहीं चलेगी. सो लेट्स गो इन द किचन एंड पहले तो अपना पानी पीती हूँ, जो नॉर्मल वार्म वाटर 2 ग्लासेस एंड ऑल्सो उसके बाद फिर मील नंबर 1 खा के ही निकलेंगे. सो लेट्स गो इन द किचन. ऑल्सो अभी क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही होगी वीडियो की क्योंकि मैं फोन से ब्लॉग कर रही हूँ. मेरा जो चार्जर है वो सॉरी जो मेरा कैमरा है वो मैंने चार्ज होने रखा हुआ है. सो इस वजह से मैंने सोचा कि सुबह सुबह का जो ये पार्ट है मैं फोन से ही व्लॉग कर लेती हूँ. तो किचन में जाते हैं और अपना पानी गर्म करते हैं और फिर मस्त बहुत लाइट चला दी मैंने. ओके जी, तो ये रहा मेरा मील नंबर 1. मैं लेने वाली हूँ फ्रूट विच इज पपाया एंड साथ में पानी, ये गर्म पानी है. अब फटाफट ये खाते हैं उसके बाद थोड़ा फेस वगैरह क्लीन करते हैं उसके बाद निकलते हैं फटाफट से. अपनी फ्रेंड को भी पूछती हूँ कि वो रेडी हुई है नहीं हुई है. साइकिल करते करते अपने घर से 5.5-6 किलोमीटर दूर. और हाय गुड मॉर्निंग. हाँ सो अभी हमने साइकिल करते करते थोड़ा ब्रेक लिया या पानी पूनी पी रहे हैं और सामने हाईवे. तो आज हमने बेसिकली हाईवे टच किया है. यस, अब थोड़ा थोड़ा धीरे कोशिश करेंगे और आगे जाने की, बट फिलहाल के लिए यहाँ तक आए अब वापस चलते हैं. सो ब्रेकफास्ट इज हेयर एंड मेरी साइकिलिंग हो गई है. आई एम बैक फ्रॉम माई वर्कआउट सेशन एंड आज हमने चलाई 12 किलोमीटर साइकिल. सो काफी मजा आया, हाईवे पे भी चलाई थोड़ी साइड साइड में और सुबह सुबह ना बड़ा मस्त लग रहा था चलाते हुए क्योंकि खुला खुला था, कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं था. सो अब ब्रेकफास्ट में आज बनाया है मूली का पराठा. संडे को हमारे घर में रिवाज है कि पराठे ही बनते हैं. वैसे आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, क्या मूली पराठा. तो आज मूली पराठा बना है. एक पराठा लिया है मैंने, इसके ऊपर मैंने एक छोटा चम्मच या आधा चम्मच देसी घी डाला है. अकॉर्डिंग टू रुजुता मैम आपको आपके जो मेजर मील्स है लाइक ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर उसमें आपको देसी घी जरूर ऐड करना चाहिए आपके खाने में बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. एंड मुझसे ज्यादा बोला नहीं जा रहा है तो मैं फटाफट पहले खाना खा लेती हूँ, थोड़ी एनर्जी वापस लाती हूँ और फिर आपसे मिलूंगी. बट पहले ये ठंडा ठंडा दही खाएंगे और घर का बना हुआ अचार लिया मैंने आम का और साथ में वही पराठा. सो या हियर यू गो. अब आपको पता ही है मैं क्या बोलने वाली हूँ, तो बोलू क्या, चलो बोल देती हूँ. धीरे धीरे खाएंगे, 32 टाइम्स श्यू करके खाएंगे दोस्तों. एंड आई नो कि अगर मैं ये बोलती नहीं हूँ ना लाइन तो बहुत कमेंट्स आते हैं कि अरे दीदी आज आपने लाइन नहीं बोली, अरे आर यू मिस योर लाइन टुडे. तो काफी लोगों को पसंद है ये लाइन इसलिए उन लोगों के लिए मैं ये बोल देती हूँ ताकि आप लोग याद रखो और मैं भी याद रखूँ कि धीरे धीरे खाना है और 32 बार चबाकर खाना है. मस्त नाश्ता करने के बाद मेरे को तो अब आ रही है नींद. पर सो नहीं सकती क्योंकि पीछे आपको कपड़े दिख रहे होंगे, वो मुझे समेटना है, अपने पूरा रूम सेट करना है. पर मेरे को थकान हो रही है आज सुबह वर्कआउट करके ना, थोड़ी थकान सी फील हो रही है पता नहीं क्यों. बट मैं आई थिंक 10-15 मिनट तो बैठूंगी, अपनी वीडियोज वगैरह को ये देखती हूँ और थोड़ा एडिटिंग भी स्टार्ट करती हूँ, फिर रूम सेट करके फिर करेंगे अपना एडिटिंग का काम. आप लोगों ने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. Okay guys, for meal number 3, I'm going to have coconut water.
नेल भी टूट गया है एंड हुआ ये कि मैं जारा को पकड़ रही थी, भाना दीदी काम कर रही थी एंड जारा वो डरती है जारा से, तो मैं जारा बाहर की तरफ भागने लगी, मैं जारा को पकड़ने लगी, जैसे ही मैंने उसका कॉलर पकड़ा तो एकदम मेरा नेल उसमें अटका और गिर गया। और वैसे भी अब 25 दिन हो गए नेल्स को, सो हटवाने ही थे या चेंज करवाने थे। लेट मी नो कि क्या मुझे ये नेल्स रखने चाहिए, मतलब क्या मैं चेंज करवाऊँ या फिर मैं अब हटवा ही दूँ, आप मुझे बताओ। बट हाँ, मेरा एक नेल टूट गया, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मील नंबर 3 लेते हैं। सो मील नंबर 3 में आई एम हैविंग कोकोनट वाटर, और बहुत दिनों के बाद कोकोनट वाटर पी रही हूँ। सो सॉरी बिकॉज मुझसे गलती से जो लंच की क्लिप थी वो डिलीट हो गई है। मैंने नॉर्मल रोटी सब्जी खाई थी एंड वो ना मैंने कैमरा से जब मैं रिकॉर्ड मतलब डाल रही थी फोन के अंदर, सो मेरे फोन में ना स्पेस की थोड़ी कमी है एंड गलती से वो डिलीट हो गई। मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने वो भी टिक कर रखा है, सिलेक्ट कर रखा है, तो वो डिलीट ही हो गई है वो वाला रिकॉर्डिंग। और वो मेरे एक ही स्ट्रेच में 2-3 मिनट की वीडियो थी, मतलब पार्ट था, सो वो पूरा डिलीट हो गया, उसके लिए सॉरी। बट मैंने कल लंच में दाल और आलू पालक की सब्जी और रोटी खाई थी एंड दैट्स इट। साथ में थोड़ा सा स्प्राउट वाला वही जो सैलेड आजकल खा रही हूँ थोड़ा सा वो लिया था, और उसके अलावा कुछ नहीं लिया था। सो सॉरी, बट आप आगे वीडियो कंटिन्यू करो बिकॉज आगे बहुत फन वीडियो है। सो या कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। ओके गाइस, सो आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स। अभी अभी एक्चुअली प्लान बन गया थोड़ी देर पहले कि बाहर चलते हैं एंड मैं अभी रेडी हो रही थी तो सोचा एक बार आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। सो आई थिंक आई विल बी हैविंग सम कॉफी या ऐसा कुछ बाहर। सो देखते हैं, बिकॉज मुझे बाहर का ऑब्वियसली कुछ खाने का मन नहीं है और खाना भी नहीं है। और एक और अपडेट कि मैंने अपने सारे नेल्स उतार दिए। एक सेकेंड, या लेट मी जस्ट प्लेस यू गाइस हियर। सो आई एम समवन जिसको ना अगर एक नेल उतर जाता है ना तो आई गेट वेरी अनकंफर्टेबल, तो मुझसे ना होता नहीं है तो मैं सारे उतार देती हूँ। तो यही हुआ आज भी, मैंने सारे उतार दिए एंड उसी प्रोसेस में एक्चुअली मेरे 2 नेल्स ना थोड़ा ब्लड आने लग गया था, ये भी थोड़ा उतर रहा था और ये तो पूरा छिली गया तो इसमें से ब्लड आने लग गया था, तो मैंने बैंडेड लगा लिए दोनों उंगलियों में एंड अभी मैं सिर्फ कॉम करने वाली हूँ। नीचे डेनिम है, ऊपर क्रॉप टॉप है एंड ऊपर मैंने लेदर जैकेट ले तो लिया, मुझे पता नहीं मुझे रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए या मुझे कुछ और पहन लेना चाहिए, मेरी कंफ्यूज। सो कंघी वगैरह करते हैं और आपसे मिलती हूँ मैं रेडी होने के बाद। एंड आई एम नॉट डूइंग एनी मेकअप या ऐसा कुछ बिकॉज मेरा बहुत कैजुअल रखने का मन हो रहा है आज, तो इसलिए मैं कोई मेकअप नहीं कर रही, बस मॉइस्चराइजर लगाया और लाइनर लगाया और कुछ नहीं कर रही। ओके जी, सो आई एम फाइनली रेडी। मैंने कपड़े चेंज कर लिए बिकॉज उसमें बहुत गर्मी लग रही थी, किसमें लेदर जैकेट में, एंड मैं आपको दिखा देती हूँ अगर आपको यहाँ शीशे से दिखे तो एक बार देख लो ओ टीवी, बाकी आई एम नॉट श्योर दिखेगा या नहीं, बाकी लाइट जला लेते हैं। टाडा, ओके यहाँ दिख रहा है। ओके सो आई एम वेयरिंग दिस, ये मेरा टॉप है, इसको मैंने ना बटन्स खोल के इसको थोड़ा ऊपर जैकेट की तरह ले लिया एंड अंदर तो नॉर्मल स्पेगेटी है। यहाँ पे एक बैग ले लिया, नॉर्मल जीन्स, दिस इज फ्रॉम वेरोमोडा, और मेरे शूज हैं पूमा के, ये मैंने एक्चुअली नए मंगवाए हैं अभी एंड आई क्वाइट लाइक देम। सो यार, दिस इज माय ओटीडीएन, बहुत ही कैजुअल रखा है आज मैंने बिकॉज मेरा ज्यादा कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। चलते हैं, मैं जब भी रेडी होती हूँ मैं बेड का ऐसा खलेरा मचा देती हूँ ना, अगर आप भी मेरी तरह ही हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज एक आउटफिट दूसरा आउटफिट तीसरा आउटफिट यही सब चलता रहता है। और मैं सरोजनी से क्या क्या लेकर आई हूँ वो भी आपको रात को बता दूंगी घर आकर वापस। नाउ द लुक इज कम्प्लीट, मैंने इयररिंग भी पहन लिया है, सो आई गॉट दिस क्यूट डेजी इयररिंग्स फ्रॉम सरोजनी नगर एंड आई रियली लाइक देम। चलो मैं आपको सबसे पहले यही दिखा देती हूँ। सो दीज आर दी इयररिंग्स, फोकस कर ली कैमरा, थैंक यू। सो दिस इज दी इयररिंग जो मैं खरीद के लाई, बहुत क्यूट सा है, बहुत क्यूट सा है, और 100 रुपीज का मिला मुझे सरोजनी से। सो या अब देखूँ मेरा फ्रेंड आया है या नहीं आया अब तक, बिकॉज बहुत टाइम लगा रहा है, मैं बता रही हूँ उसने इतना लेट किया ना, आज 4 बज गए हैं और अब तक ये आया नहीं है। ओके सो फाइनली हम लोग आए हैं गलेरिया मार्केट जो कि है गुड़गांव में, अगर आप गुड़गांव से हो तो आपको पता होगा। और ये कैमरा फोकस क्यों नहीं कर रहा है। फाइनली आ गए यहाँ पे, और तू क्या खाने वाली, कुछ खाने पीने वाली है या क्या? यार मन तो कर रहा है कुछ खाने का बट समझ नहीं आ रहा खाऊं या ना खाऊं। चलो देखते हैं, मैं तो यहाँ कॉफी पीऊंगी। फाइनली हम जा रहे हैं ब्लू टोकाई बिकॉज मुझे अब लग रही है बहुत जोर से भूख, और ये लोग अगर कुछ खाएंगे तो देखते हैं, बाकी मैं तो अपनी कॉफी उठाने वाली हूँ, ये लोग भी कॉफी लेने वाले हैं पहले।
लेते को यहाँ कॉफी एक तो जिसके साथ आया ना मेरे को मत लियो बट हाँ नाइस है, अच्छी है। तो अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया, यू कैन गो एंड ट्राई। स्टारबक्स है ये, स्टारबक्स है ये, डिपेंड्स ऑन मैन्युफैक्चरर्स बट या मंथ एंड स्टारबक्स है ये। हाँ अगर मंथ एंड चल रहा है तो ये था कि वहाँ पे थोड़ी चीप साइज थी और मैंने ट्राई एक्चुअल कॉफी स्टारबक्स में मैंने एक्चुअल कॉफी नहीं पी। थोड़ी सी देर बाद दोस्तों मुझे कॉफी पी के बिल्कुल भी आनंद नहीं आया और मैं बताती हूँ इन तीनों की और हम तीनों की कॉफी में से सबसे कम मेरी ही रही है, पता नहीं किस खुशी में। तो मुझे ना ऐसे लगा कि अभी तो मेरा गला भी नहीं सूखा उससे, ऐसा हो रहा है। पर ठीक है, मैं इसको इतना कह रही हूँ कि प्लीज कुछ खा ले, कम से कम मैं नहीं खा रही, तू तो खा कुछ अच्छा अच्छा पेस्ट्री, इस चीज केक ट्राई कर। बट नो, चीज केक मिला नहीं ना। हाँ ओके आई एम बैक एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई डिनर। सो पहले मैं अपने इयर रिंग्स वगैरह उतार लूँ, यार मैं बड़ी घर पर मुझे पहनने का कोई इतना वो है नहीं इयर रिंग्स का ना। सो पहले इयर रिंग्स उतारते हैं और मैं क्या बनाऊँ डिनर में, मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। या तो दलिया खाने का मन है, दलिया और दही मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे इतना दलिया मैं बनाती नहीं हूँ बट आज मन कर रहा है, पता नहीं क्यों एकदम वेजीज वाला दलिया। बाकी मम्मा से भी एक बार पूछ लेती हूँ। एंड आई लाइक दिस लुक, आई थिंक नो मेकअप मेकअप लुक जो होता है ना वो बेस्ट होता है। इनफैक्ट इस पर कोई मेकअप है भी नहीं। और यार मैं ना अपने ना बालों को रंगने का सोच रही हूँ, मतलब मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही हेयर कलर कराया है बट मैंने बहुत बेसिक करवाया था, ये मैं हमेशा करवाती हूँ एंड मैं चाहती थी इस बार मैं बेसिक ही रहूँ और करवाऊँ। सो अब मैंने ना एक्चुअली उनको देखा था आंचल को OMG व्लॉग्स में, उन्होंने पर्पल कलर कराया एंड मेरा बड़ा मन कर गया कि कुछ ऐसे अतरंगी करते हैं, बिकॉज ट्रस्ट मी मैं अतरंगी चीजें बहुत करती हूँ। सो मेरा बड़ा मन कर गया, लेकिन मैं सोची अभी एक महीना रुकते हैं क्योंकि थोड़ा अभी कलर कराया ना तो थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद फिर घर पर ही मैं कलर वगैरह मंगा के अपने आप डाई करूंगी। सो आप लोग अपना कमेंट छोड़ो कि क्या आप चाहते हो मैं रंग करूं, मतलब हेयर कलर करूं, और कौन सा कलर करना चाहिए वो भी थोड़ा सजेस्ट करना। बाकी अभी नहीं करूंगी, एक महीने बाद ही करूंगी होपफुली। सो लेट मी नो कि रेड करना है, ब्लू करना है, पर्पल करना है, पिंक करना है, ओह गॉड देयर आर सो मेनी कलर्स। और हाँ, और मैं इन्हीं के ऊपर कर लूंगी तो जितने पे भी स्ट्रीक्स हैं ये वाली जिसपे ये हो रखा है कलर उतने पे ही आएगा, मतलब वैसे तो फुल हो जाएगा कलर बट काफी ज्यादा रोमांचिक हो जाएगा। सो देखते हैं, मैं ऑफ टॉपिक चली गई हूँ, मैं डिनर की बात कर रही थी। डिनर से मैं आई पहले की मेकअप के ऊपर, फिर मैं आई हेयर कलर के ऊपर, देख रहे हो मतलब ऐसे ऐसे फ्लिप कर देती हूँ एक टॉपिक को। तो अभी ढेर सारा पानी पीते हैं, मैंने आके वैसे पिया है पानी, तो ढेर सारा पानी पीते हैं और डिनर की तैयारी करते हैं। मम्मी से भी पूछती हूँ कि क्या बनाना चाहिए मुझे, बाकी उसके बाद मैं आपको एक बार डिनर चढ़ा के रख दूँ ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी मेरे सरोजनी नगर शॉपिंग। सो या कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। और जारा जी आई हैं इधर नीचे, टेबल के नीचे घुस के मेरे पास आ जाती है। अब बनाने जा रहे हैं हम दलिया, लेकिन मुझे दलिया बनाना आता नहीं है मेरे को, अब मैंने एक ही बार बनाया है और वो भी काफ़ी टाइम पहले। सो मैं अब इसके जो पैकेट के पीछे रेसिपी लिखी है ना इसी विधि को फॉलो करने वाली हूँ। और इसमें दलिया खिचड़ी बताई है, इसमें लिखा है रोस्ट 1 कप दलिया इन घी टिल स्लाइटली ब्राउन, सोक 1/2 कप मूंग धुली दाल एंड 3 कप वाटर वगैरह। तो यही फॉलो करते हैं और बनाते हैं। मैं दाल के साथ ही खिचड़ी बनाने वाली हूँ, मतलब दाल खिचड़ी। मम्मी से पूछ लेती हूँ, पता नहीं मम्मा उसमें जो पैकेट है उसके पीछे लिखा हुआ है कि दलिया को पहले रोस्ट करके फिर उसमें दाल और फिर वेजिटेबल्स डाल के सीटी दे दो या बॉईल कर दो। खिचड़ी होती है हाँ, तो फिर दाल डाल दूं? चलो ठीक है, तो हम दाल डाल के बनाएंगे खिचड़ी, दलिया खिचड़ी बनाने वाले हैं आज हम। डिनर बन रहा है मैं शेयर कर देती हूँ मेरा छोटा सा मिनी सा ऐसा सरोजनी नगर हॉल। सो छोटी छोटी चीज पहले दिखा देती हूँ। ये इयररिंग्स आपको दिखाई थी आज मैंने, क्योंकि मैंने पहने ही थे और ये 100 रुपए के लिए, मैं ये भी बता चुकी हूँ। अब मैं आपको छोटी छोटी चीज दिखा देती हूँ, बहुत ही क्यूट क्यूट चीज है। कुकर की सीटी बज गई है। सो मैंने ये बहुत ही प्यारी सी ना क्लिप ली है, हेयर क्लिप।
ये वाली क्लिप इतनी क्यूट सी लग रही है, रेनबो वाली। सो कभी ऐसा फंकी सा लुक करना हो ना तो बालों पे लगाओ और बड़ा क्यूट सा लगेगा। और दूसरी क्यूट क्लिप है ये वाली, ये इस पे आइसक्रीम बनी हुई है, एकदम चटाकेदार पिंक कलर बना हुआ है। इसका प्राइस था 30 रुपीज ईच और बहुत क्यूट सी लग रही थी तो मैंने ले लिया। नेक्स्ट मेरे पास ये पत्ते हैं हेयर पिन के, दो पत्ते हैं। तो ये तो यार देखो यूज में आती है और ये ना बहुत छोटी सी बच्ची दे रही थी तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। एक मैंने पत्ता लिया था, उन्होंने 20 का बोला था, मैंने कहा दे दो, और फिर उन्होंने अपने आप ही बोल दिया कि आप ना 30 रुपए के दो ले लो, मैंने कहा दे दो। फिर 30 रुपीज में मुझे दो पत्ते मिले हैं एंड लिटरली ये एक पेयर मिलता है 10 रुपए का मेरे घर के यहाँ पे। सो इतने सारे मुझे मिल गए 30 रुपए में, अदरवाइज सिर्फ 3 मिलते मुझे यहाँ पर अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ अपने घर के आजू बाजू वाले, बट मुझे 30 में ये दोनों मिल गए। नेक्स्ट अप आई हैव दिस ब्यूटिफुल पीस, एक मैंने बैग खरीदा, मुझे जाते ही ना इस पे नजर आ गई थी, लाइक वो था ना एक देखते ही आपका मन करता है ये लेना है, तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ, घुसते ही मैंने ये उद्घाटन किया था इस बैग से। सो दिस इज दी बैग एंड ये मुझे काफी क्लासी से लग रहा था और बहुत ही प्यारा सा। इस कलर का मेरे पास बैग भी नहीं है और मम्मी भी यूज कर सकती है बिकॉज ये काफी क्लासी सा कलर है और बहुत ही मिनिमल सा है, इस पे कोई लोगो वोगो कुछ नहीं है, मुझे वो चाहिए भी नहीं था, तो काफी क्लासी सा और प्यारा सा है। और इसकी चेन भी बहुत सिंपल सी है, कुछ ऐसा चटक बटक नहीं है एंड अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं शोल्डर बैग की तरह ले सकती हूँ, नहीं तो मैं इसको स्लिंग बैग की तरह ऐसे ले सकती हूँ। सो दो तीन तरह से इसे पेयर अप कर सकते हैं, दो तीन तरह से यूज कर सकते हैं, तो इस वजह से मैंने ये ले लिया एंड दिस इज ओनली फॉर ₹350। सरोजनी का आपने मेरा जो वीडियो देखा होगा परसों, उसमें मैंने मंदिर के ऑपोजिट से लिया था। सो मंदिर के एकदम सामने शॉप है जहां पर सारे बैग ₹350 के मिलते हैं, सो मैंने यही वहां से उठाया था। नेक्स्ट मैंने एक शूज भी लिए थे, एक पेयर लिया था शूज का, लेकिन वो नीचे है तो अभी मैं आपको ना कभी जब अभी एक दो दिन में पहन ही लूंगी क्योंकि कोई भी नई चीज आती तो मुझसे रहा नहीं जाता उसे यूज करे बिना, तो वो जब मैं अभी पहनूंगी तो मैं आपको ब्लॉग्स में दिखा दूंगी। सिंपल बेसिक ब्लैक कलर के शूज है एंड वो भी मेरे को ₹350 के मिले थे। अब बात करते हैं कपड़ों की, मैंने सिर्फ 3 पीस लिए कपड़ों में बिकॉज अभी ना मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या कलेक्शन समझ नहीं आ रही थी, मुझे टी शर्ट्स चाहिए तो मैं एक महीने के बाद ही आई थिंक मैं दोबारा सरोजनी जाने वाली हूँ ताकि मैं ढेर सारी टी शर्ट उठा लूं वहां से। सो फर्स्ट टी शर्ट इज दिस वन, इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लूम बाय डे शाइन बाय नाइट और इसके बाजू पे भी ऐसे काम हो रखा है ऐसा कढ़ाई वाला और क्यूट सा है। बाकी पूरी प्लेन टी शर्ट है एकदम इस कलर की, लाइलैक कलर की। सो ये टी शर्ट है एंड व्लॉग्स में जब पहनूंगी तो ऑब्वियसली आपको दिखा दूंगी अच्छे से, तो ये ट्राई ऑन हॉल नहीं होने वाला बट मैं ऐसे आपको रैंडमली फटाफट दिखा रही हूँ चीजें। नेक्स्ट टी शर्ट है ये थोड़ी पाउडरी ब्लू कलर की एंड इसके ऊपर ये लिखा हुआ है चेजर एंड इस तरह से एक प्रिंट हो रखा है और ये भी एकदम बेसिक सी टी शर्ट है, गर्मियों के लिए बेस्ट रहती है तो ये भी मैंने ले ली थी। इन दोनों टी शर्ट का प्राइस है ₹200 ईच। सो आजकल सरोजनी में यही रेट रखा हुआ है इन लोगों ने कि टी शर्ट जो होती है वो 200 या 250 का ही दे रहे हैं, बट द क्वालिटी इज ऑल्सो गुड और फ्रेश पीस लग रहा है तो इसीलिए फिर मैंने ले लिया था यहाँ से 200 रुपए में। और जो ये थर्ड पीस है ना, पहले सीधा कर लूं, सो दिस इज अ ड्रेस एंड मैं ना जब शॉप में घुसी थी तो मेरा बहुत ना इसमें मन आ गया था और मैंने भैया को बोला भैया कितने की दी, तो उन्होंने बोला 650 या 750 रुपए की, मैंने कहा भैया सही बोलो यार। फिर उसके बाद उन्होंने एंड मुझे बोला कि आप मेरे को 450 दे दो, 450-450। फिर मैंने उनको बोला नहीं 250 रुपए, क्योंकि उन्होंने कहा मैडम ऐसे कैसे इतने में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर उसके बाद मैं 250 बोल के मैंने वही ट्रिक अपनाई कि चलो भैया ठीक है रहने दो और मैं आगे चली गई और मेरे को पीछे से एक आवाज आई कि अच्छा 300 रुपए लास्ट लगेगा, मैंने कहा नहीं नहीं 250 रुपए, उन्होंने कहा फिर आप जाओ निकल जाओ। फिर मैं चली गई कि मैंने कहा अगर अब नहीं दे रहे तो ठीक है। फिर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रही कि मैं लूं कि ना लूं बिकॉज ये मुझे थोड़ा डाउट था कि मुझे टाइट ना आए। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी पूछा कि क्या करूं, फिर उन्होंने कहा ले लेना हम जब चलते हैं वापस। उसके बाद हम वापस गए कि कोई बात नहीं भैया ने हमें निकाल दिया था, इट्स ओके हम वापस जाएंगे और ये ड्रेस लेकर आएंगे। तो मैंने ये मेरे को ड्रेस मिली है 300 रुपए की, बट दिस इज अ वेरी क्यूट ड्रेस और ये मुझे आ गई है, बट ये हल्की फुल्की ना ऐसा होता है ना आधा इंच टाइट है इस तरह से, तो मैं थोड़ा जब वेट लूज कर लूंगी तो आई कैन डेफिनेटली वेयर दिस टू अ पार्टी बिकॉज ये काफी मिनी ड्रेस है और बहुत ही ज्यादा सेक्सी ड्रेस है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। अभी मैं पहन के नहीं दिखा रही, वैसे मतलब मैंने मम्मा को पहन के दिखाया था तो हल्का सा टाइट लग रहा था थोड़ा टमी एरिया से, अदरवाइज बहुत ही सही है। इसका जो नेक लाइन है ना वो काफी डीप है तो मुझे या तो नीचे स्पेगेटी डालनी पड़ेगी या फिर इसको थोड़ा यहाँ पे हुक वगैरह लगाना पड़ेगा, बट ये बहुत ही क्यूट ड्रेस है। नीचे से ये ना ऐसा कुछ रैप ऑन लगता है, अगर आपको दिख रहा है समझ आ रहा है, तो ये ऐसा कुछ स्कर्ट टाइप जैसा फ्रिल फ्रिल सा आता है
और यहाँ पे इस तरह से आगे टाई हो जाएगा, तो ये रैप ऑन की तरह आएगा और बहुत ही क्यूट है। सो हाँ, मैं बोल चुकी हूँ कितनी बार बोलूंगी क्यूट। सो ये मुझे मिली 300 रुपए की। इतना ही मैं सामान लेकर आई हूँ इस बार सरोजनी से। एंड मुझे जरूर बताना कि आपको ये छोटा सा मिनी हॉल कैसा लगा और सबसे अच्छा आपको क्या लगा इस हॉल में, छोटे से हॉल में, डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता देना। सो अभी मैं पहले अपना दलिया खाती हूँ, लेकर आती हूँ, फिर आपके साथ ही बैठ के खाऊंगी। डिनर इज रेडी। दलिया बन गया है दोस्तों, पता नहीं अभी कितना कच्चा पक्का है। थोड़ी सी मैंने लिया है क्या ग्रीन चटनी एंड साथ में थोड़ा सा दही लिया है, बिकॉज मुझे दलिया के साथ दही बहुत टेस्टी लगता है। सो लेट्स टेस्ट इट कि कैसा बना है। पहले बिना चटनी और दही के लेते हैं। तो अब मैं गर्मा गर्म डिनर एंजॉय करने वाली हूँ। और कुछ भी बोलो, बाहर से आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, जब घर आके आप गरम गरम खाना खाती हो ना, तो इतना अच्छा फील होता है ना, और जितना भी सर दर्द होता है भाग जाता है। सो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, मैं आराम से एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलूंगी थोड़ी सी देर के बाद। बट बहुत टेस्टी है, आप भी डेफिनेटली ट्राई करना अगर आपने कभी दलिया नहीं ट्राई किया है तो। मतलब करा ही होगा ऑब्वियसली, बट अगर नहीं किया है तो आप कर लेना, बिकॉज मैं भी ज़्यादा मतलब एक दो बार ही खाया है लेकिन मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा आज रात को बनाऊंगी और बहुत टेस्टी लग रहा है सच्ची में। Also, we are a family of 60,000 subscribers now. Here you go. I am so happy. Thank you so much for subscribing and joining my family. I am really grateful to have you guys in my life. और मैं दिल से बोल रही हूँ thank you so much. आप लोगों ने literally मेरे को इतना support किया है, इतना मेरी life बदल दी है, तो thank you so much for that. और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो and मैं ऐसे videos बनाती रहूँगी। और ये channel को share करो ताकि हम फटाफट से 100K touch करें। Oh my God. So 60K की आपको मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो। मम्मी आपने देखा 60,000 हो गए। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर सब्सक्राइब। नहीं अभी हो गए 60, मतलब पहले हो गए थे। मैं कह रही हूँ आज हुए हैं, कल तो। हाँ आज ही हुए हैं। सो या लव यू। इट इज करेंटली 11:50 एंड आई एम स्लीपी। So I'm gonna sleep now and I'm going to close this video right here. But usse pehle it's time for shout out of the day. So shout out of the day goes to, one second. It goes to Nida. Thank you so much for your beautiful comment. I'm sending dher sara pyar and jhapiya to you. So thank you so much once again. And agar aapko meri video mein shout out chahiye, to you just have to like this video. Comment down below ki aapko, ओके लेट्स डू वन थिंग। हाँ आज आप कमेंट करो कि आपको एक चीज मेरे बारे में क्या सबसे अच्छी लगती है। ऑल्सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या दैट्स हाउ यू गेट अ शाउट आउट इन माई वीडियो। सो ये करो एंड यू नेवर नो कि आपको शाउट आउट मिल जाए। सो या आज का शाउट आउट हो गया एंड अब मैं वीडियो भी यहीं पे क्लोज करने वाली हूँ। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक कर देना, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं या फन चैलेंजेस देखना चाहते हैं, या अगर आपको लगता है कि वो मेरा चैनल देखेंगे तो उनको कुछ अच्छा लगेगा या खुश हो जाएंगे, सो प्लीज़ उनके साथ शेयर कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अब मैं सोने जा रही हूँ, तो कल नई वीडियो आएगी, कल आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। बट जब तक नई वीडियो नहीं आती है तब तक आपको क्या करना है, आपको मुझे याद करना है एंड आई विल मिस यू टू। सो नाउ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू, बाय।